आज हम देखते हैं पेज नंबर 11, टॉपिक इज डिटरमिनेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट. देखिए, हम अकाउंटिंग जब इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन किसी के लिए यूजफुल होनी चाहिए, जिससे हम उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें. चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 12. ये देखिए, आपको डिटरमिनेंट्स दे रखा है क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, टाइमलाइननेस, कंपैरेटिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी. चलिए एक एक पॉइंट्स को देखते हैं. देखिए, पहला पॉइंट दिया है रिलायबिलिटी. एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इट्स इट्स रिलायबिलिटी. मतलब जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें रियल फैक्टर होना चाहिए. मतलब वो रियल होने चाहिए. इट मीन्स दैट एवरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हो उसका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए. ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन एन अनबायस्ड वे. मतलब आप कोई जो आप वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप कम ज़्यादा मत करो, जैसे है वैसे ही प्रॉपरली रिकॉर्ड करो. Accounting information should not favor or prejudice to any person or party. The accounting information being provided should be based on proper evidence and evidence should be valid. मतलब accounting information आप जो भी record कर रहे हो उसका proper document होना चाहिए, evidence होना चाहिए. उसके जो आप value लिख रहे हो उसको आप कम ज़्यादा मत करो. फिर दिया हुआ है relevance. The accounting information disclosed by books of accounts and financial statement must be relevant. जो भी आप information शो कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रिलेवेंट सही होनी चाहिए. द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ऑफ द नेचर विच मे हेल्प इन टेकिंग डिसीजन. ऐसी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करिए जो किसी को हेल्प करे डिसीजन लेने में. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन. उसमें और कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जो यूजफुल होनी चाहिए वही रिकॉर्ड करनी चाहिए. ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज. और जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए, मतलब शो होनी चाहिए. That information which is not so important but it is relevant to the business or may have impact in future may be shown separately in financial statement. अब ऐसा कुछ information होती है जो मतलब इतनी ज़्यादा important नहीं होती, लेकिन business में चला रहे हो आप business तो वो decision लेने में कहीं ना कहीं help करती है, तो उसको आप side में show कर सकते हो. Accounting information is relevant if it can provide helpful information about past events and helpful in predicting future events. मतलब accounting information ऐसी होनी चाहिए जो आपको past के बारे में information दे सके और future में decision लेने में help कर सके. In taking action to deal with possible future events. अगर future में कुछ ऐसी situation आती है तो हम ये decision ले सकते हैं, हम उस situation को ऐसे cope up कर सकते हैं. तो ऐसा हमारे पास chances होने चाहिए, ऐसी information होनी चाहिए. दिया हुआ अंडरस्टैंडेबिलिटी. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड एंड इंटरप्रेटेड इन सच अ वे दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय इट्स यूजर. ऐसे इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो कि सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए और सिर्फ कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. फॉर दिस पर्पज द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंसाइज, क्लियर, ब्रीफ, एग्जैक्ट एंड इंटेलिजिबल. मतलब साफ सुथरा होना चाहिए. ब्रीफ मतलब अच्छी से प्रॉपरली मैंशन होना चाहिए, सही होनी चाहिए. Accounting information must be such that it may suit the needs of the shareholder, manager, employees, investors, creditors, government and other parties. मतलब जो सामने वाला जो भी person उस information को देख के कुछ समझना चाह रहा था उसे वो exactly समझ में आ जाए. Comparability, one of the most important qualitative characteristics of accounting information is comparability. मतलब हम इस साल को पिछले साल से कंपेयर कर सकें, हम देख सकें कि हमें उस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हो रहा है, कहाँ पे हमारे खर्चे ज़्यादा हो, मतलब हम कंपेयर कर सकें. वेरियस बिजनेस डिसीजंस आर टेकन वेयर द डेटास ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज कंपेयर्ड विद द डेटास ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. जो आप बिजनेस डिसीजन लेते हो वही आप मतलब कंपेरिजन के फॉर्म में लेते हो, क्योंकि आप पिछले साल को देखते हो इस साल से. Hence, keeping in view the element of comparison, the accounting methods and techniques should not be changed frequently. इसलिए जो भी आप टेक्निक मेथड यूज़ कर रहे हो, इस साल कुछ और यूज़ किए, आने वाले साल में कुछ और यूज़ करोगे तो उससे आपको गलत रिजल्ट मिलेगा. इसलिए आपको एक ही मेथड को लेकर चलना चाहिए. Frequent changes in method and techniques of accounting make the accounting information meaningless for the purpose of comparison because the changes of method and technique have bearing on final result of the concern. इसलिए आपको एक ही method follow करना चाहिए, क्योंकि अगर आप compare करना चाहते हो तो अगर आप कुछ change करते हो तो उससे क्या होगा, आपको result सही नहीं मिलेगा और आप comparison
नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन. एनी चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन विल अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस. तो वही बताया जा रहा है कि डेप्रिशिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और आप हर बार मेथड चेंज करोगे तो उससे आपको सही प्रॉफिट और लॉस समझ में नहीं आएगा. हैंस टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लीस्ट चेंजेस शुड बी डन इन द मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग. अगर आप चाहते हो कि आपको कंपेरिजन करना है, आपको देखना है पिछले साल क्या हुआ था, इस साल कहाँ पे क्या खर्चे हो रहे हैं, तो हमें मेथड्स को एक ही रख के चलना चाहिए, टेक्निक्स को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. टाइमलाइननेस इज हाउ क्विकली इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. मतलब हमें टाइम फैक्टर भी ध्यान है. ऐसा नहीं है कि किसी सामने वाले को अभी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. द लेस टाइमली रिजल्टिंग इन ओल्ड इन्फॉर्मेशन, द लेस यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज फॉर डिसीजन मेकिंग. अगर हमें टाइम में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इशूज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर इट्स अकाउंटिंग पीरियड, द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड हैव फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ द वेल कंपनी इज डूइंग इन द प्रेजेंट. तो इसमें यही बताया जा रहा है कि किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कंपनी को और हमें वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं मिल रही है, तो उसे डिसीजन लेने में बहुत गलत हो जाएगा. अब चलिए हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. सम मेजर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर दिस अंडर. पहला दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डेट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसिडर्ड विद आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस. मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि मनी वैल्यू में है कि नहीं, फिर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसकी एक समरी क्रिएट करते हैं, फिर उससे हम डिसीजन लेते हैं, फिर आपस में उसको डिस्कस करते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस इंटरेस्ट. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही देखते हैं कि हम जो सामान बना रहे हैं कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, क्या हमको कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि कम से कम पैसा लगे और अच्छे से अच्छे हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सके. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग प्राइजेस ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होती है वो किस चीज़ का काम करती है, डिसीजन लेने का काम करती है, प्राइस को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है उसको देखती है. टैक्स अकाउंटिंग डील्स विद टैक्सेशन मेथड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट फंक्शंस इंक्लूड प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ वेरियस टैक्स रिटर्न्स विद देयर लीगल इम्प्लीकेशन. जो टैक्स अकाउंटिंग होती है उसमें हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स के मैटर को देखते हैं कि हमें कितना टैक्स रिटर्न मिल सकता है, हम पूरे फाइल्स वगैरह मेंटेन करके रखते हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बिजनेसमैन टू द सोसाइटीज. इसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेसमैन ने कहाँ क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, कहाँ पे कितना खर्चा किया है, कितना वेलफेयर का काम किया है, इसमें ये चीज़ हम देखते हैं. तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका इसी तरीके से कंप्लीट होता है और ये आपने ये बेसिक टर्म्स तो मैंने पहले ही पढ़ा दिए थे आपको. ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है. होप आपको सबको समझ में आया होगा. थैंक यू.